नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 छमाही परीक्षा, जो आपका पेपर होगा मैथ का, उसका क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 2^-3 गुणे -7^ आपका है -3। यहाँ पर देखिए पावर ऊपर सेम है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2^3 यानी 1/ हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला होता है, तो गुणे 1^-7^ हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 1/2 ये 3 है, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2^-7, आप पूरा के पावर आप लिख सकते हैं 3। तो अब हो जाएगा ये आपका 1^-7^14 और इसका पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्सलाम वालेकुम, तो 1 दिन के बाद मेरी इतनी पेमेंट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो है पूछ रहा है 3^3 क्या होगा। 0 है तो 1 होगा, क्योंकि आपका फार्मूला होता है किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है, ये फार्मूला होता है, तो इस तरह से 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 3^0+2^0 क्या होगा, तो 1+1 = आपका 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 5/8 है, अब पावर जो दिया है वो आपका -7 है, गुणा के चिन्ह है, फिर है आपका यहाँ पर 8/5 है, और पावर जो है आपका दिया हुआ है -5। इस तरह का सवाल है, तो देखिए कैसे बनाना है आपको। इसको लिख सकते हैं आप, माइनस का चिन्ह है तो इसको आप बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 8/5, अब पावर हो जाएगा आपका 7, और इसमें आपका कीजिए ऐसे रहने दीजिए 8/5, अब पावर हो जाएगा आपका -5। इसको चेंज करने के बाद चिन्ह बदल जाता है, तो अब देखिए नीचे सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 8, अब बटा हो जाएगा आपका 5, और यहाँ हो जाएगा 7-5, क्योंकि माइनस है, तो हो जाएगा 8/5 के स्क्वायर, यानी कि 2 बचेगा, 8 के स्क्वायर कर दीजिए तो 8×8=64, और नीचे के नीचे स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बन गया। और क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन इस तरह से है, 3^0 है प्लस 4^-1 है, ब्रैकेट में है, और गुणा यहाँ पे 2^2 है। देखिए किसी के पास 0 तो 1 हो जाएगा, और प्लस इसको आप लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा, और इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब नीचे यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4+1 बटा पर के जुड़ जैसे बनाते हैं, और गुणे 4 तो हो जाएगा 5/4, और गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से VVI क्वेश्चन जो है आपको मैं आप बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको इस तरह से आपको हर चैप्टर वाइज जो है VVI क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आता है। यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, नहीं पर इन्वेस्ट कहाँ करूँ? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा, और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। तुझे कैसे पता? आप स्टॉक देखिए, आप क्वेश्चन है इस तरीके से है, 33^-32^2, तो a²-b², आपका फार्मूला होता है a²-b² = a+b और इनटू होता है a-b, तो उस पर बनाना है, तो हो जाएगा 33+32, ठीक है, और इधर हो जाएगा 33-32, तो जोड़ देंगे तो 5, 6, और गुणे इधर आप घटाएंगे तो 1, यानी कि आ जाएगा आंसर आपका 65। इस तरह से बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है 4x-3 अब बटा 2x+3 = 2/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसमें हो जाएगा 12x-3 = 9, 2 से
कीजिए 4x आप प्लस 6, एक साला को एक तरफ कीजिए 12x माइनस 4x और 6 प्लस 9 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो गया 8x बराबर 9 6 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/8, क्योंकि गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, तो आप देख सकते हैं।